अच्छा सब लोग अपने पास पानी रख लो, एक कॉपी रख लो, एक पेन रख लो, जो जो बातें बताता जाऊं चुपचाप से फॉलो कर लेना, गटक लेना, पी लेना, समा लेना अपने अंदर, और फिर देखना एग्जाम कितना बढ़िया जाने वाला है आपका 11th क्लास की इंग्लिश का। चलो जी, ये कहानी है द समर ऑफ व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। ये कहानी ना दो अर्मेनियन बच्चों की कहानी है। दो अर्मेनिया कंट्री है, वहां के दो बच्चे जिनका नाम है, कैरेक्टर कौन कौन है इसके अंदर, एक अरम है, एक मुराद है। क्या नाम है? अरम है, मुराद है, कजिन्स है और दोस्त भी हैं। ठीक है, अब इस कहानी का जो मकसद है वो थीम क्या है? ये कहानी बेस्ड है लॉयल्टी पे, ऑनेस्टी पे। किस पे बेस्ड है? इसकी थीम क्या है कहानी की? लॉयल्टी, ईमानदारी। के इंसान के अंदर या उसके परिवार के अंदर अगर ईमानदारी होती है, लॉयल्टी होती है, तो वो चाहकर भी ना बेईमान नहीं हो पाता, करप्ट नहीं हो पाता। ये इसी तरह से अगर क्लास में आपने आपसे आपके टीचर ने कह दिया ये बच्चा तो बहुत पढ़ता है, अरे तो बहुत बड़ा अच्छा बच्चा है, तो आप ना ऐसे निगाह नीचे हो जाएगी शरारत करते वक्त, आप शरारत नहीं करोगे फिर। ऐसे इनकी कहानी है। रमन मुराद का जो ट्राइब है, जो उनका कबीला है ना, ट्राइब वर्ड क्या यूज किया मैंने, ट्राइब, वो जो कबीला है ना मेरे बच्चों, वो जो कबीला है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं द समर ऑफ द व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, द समर ऑफ द व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, उसका जो जो कैरेक्टर है वो कौन कौन है? अरम है और दूसरे का नाम क्या है? मुराद है। क्या क्या है? एक अरम है, एक मुराद है, अरम है, एक मुराद है। कहाँ के हैं ये? अर्मेनियन। दीज टू बॉयज आर फ्रॉम अर्मेनियन फैमिली। कौन सी फैमिली के? अर्मेनियन फैमिली। एंड विच इज पॉपुलर फॉर देयर, वो फैमिली किस चीज के लिए पॉपुलर है? अपनी ऑनेस्टी के लिए। किसके लिए? ऑनेस्टी के लिए, लॉयल्टी के लिए, वफादारी के लिए, है ना? इतना समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब ये कहानी की थीम बता रहा हूँ, सबसे पहले थीम बता रहा हूँ। आपसे एग्जाम में अगर थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर किसकी बात हो रही है? पूरी कहानी में ऑनेस्टी की, ईमानदारी की बात हो रही है कि अगर आपका परिवार या आप ईमानदार मशहूर होते हो तो फिर आप चाह के भी बेईमानी नहीं कर सकते। ये पूरी कहानी का कंक्लूजन बता दिया मैंने। अब कहानी क्या है? आओ चलो आपके साथ ही शुरू कर लेता हूँ, टाइम भी बचेगा आपका। आओ जी, आओ जी, मेरा फोकस है आपका टाइम बचाने पे, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें। आओ जी, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। अरम एंड मुराद आर टू पुअर बॉयज ऑफ अर्मेनिया। ये कौन है अरम एंड मुराद? ये दो लड़के हैं अर्मेनिया के। कौन? गरीब बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? गरीब बच्चे हैं। चलो जी, फ्रॉम कहाँ, कौन सी फैमिली के? इनके ट्राइब का नाम क्या? गर्गोलियन फैमिली। वहाँ का एक ट्राइब का नाम है, कबीले का नाम है गर्गोलियन फैमिली, उस परिवार से आते हैं। विच इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। ये तो हम समझ ही गए ना, ये तो आपको समझ में आ ही गया, इसको रटने की जरूरत है क्या? नहीं। कौन से ट्राइब से आते हैं? जो कि लॉयल्टी, वफादारी, अरे वफादारी के लिए पॉपुलर है, और ईमानदारी के लिए। आज के टाइम में सब कुछ मिल जाता है, बस वफादारी और लॉयल्टी और जो ईमानदारी वही नहीं मिलती है ना, यही है। तो ये कौन से ट्राइब्स आते हैं? एक अर्मेनियन फैमिली, गर्गोलियन फैमिली, याद रखना गर्गोलियन फैमिली से कहाँ से आते हैं, और इनके पॉपुलर किस चीज़ के लिए उनका ट्राइब? भाई ऑनेस्टी और लॉयल्टी के लिए। ऑन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन क्या हुआ, बड़े सुबह सुबह मुराद केम विद अ वाइट हॉर्स। मुराद ना एक सफेद हॉर्स के साथ आया। किसके साथ आया? क्या लेके आया? एक वाइट हॉर्स लेके आया। कौन लेके आया? मुराद लेके आया। मुराद अरम के पास एक वाइट हॉर्स लेके आया, उसके खिड़की पर पास आया और क्या कहा? आजा भाई आजा, मुराद इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड, आजा आजा घुड़सवारी करेंगे। भाई घोड़ा ना हमेशा, आज भी ना महंगा ये घोड़ा, उस जमाने भी महंगा था, अमीरी लोगों के पास घोड़ा हुआ करता था। तो इसको इस तरह से मान लो, आपका कोई दोस्त आपके पास ना कोई महंगी बाइक लेके आ जाए, हायाबूसा लेके आ जाए आपके पास, KTM लेके आ जाए, और आपसे कहे आजा आजा चलाएगा चलाएगा, आपको कहे यार इतनी महंगी बाइक है मैं क्यों नहीं चलाऊंगा, आज हाँ हाँ चलाऊंगा। इस तरह से कुछ हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ? अरम गॉट टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर। अब क्या करते हैं ये ना, वो घोड़े को चलाने की कोशिश करते हैं, इनसे घोड़ा चलता भी नहीं है, गिर भी जाते क्योंकि चलाना ही नहीं आता होता, फिर भी जैसे तैसे करके ये लोग ऐसे घूमते हैं घोड़े के साथ। अब बाद में अरम को पता चलता है कि जो मुराद है ना, अरम गॉट टू नो कि जो मुराद है हैड स्टोलन हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर, इसने एक फार्मर, एक किसान से ये जो घोड़ा है ये चुराया है, चोरी करके लेके आया लॉयल्टी के लिए। जो इनका ट्राइब है, वो इनका फैमिली है, वो मशहूर है गर्गोलियन फैमिली, और ये क्या करके आया? चोरी करके लेके आया। देख रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कितना उल्टा काम कर रहे हैं ना, वो चीज हुई। फिर क्या होता है? हॉर्स टुक अरम टू विनियर्ड एंड थ्रू हिम ऑफ एंड रेन अवे। ये बात तो हमने भी देख ली कि भाई इनको कि वो जो जब ये घुड़सवारी करते हैं इनको आती तो होती नहीं है, गिर भी जाते हैं। और विनियर्ड क्या होता है? जो अंगूर की बेल वाला पेड़ होता है ना, उसे बोलते हैं विनियर्ड। ठीक है, आ जाते हैं और उसको गिरा दिया और घोड़ा भागता चला गया। आफ्टर 30 मिनट्स मुराद गॉट हॉर्स एंड हिड हिम इन डिजर्टेड विनियर्ड। बाद में क्या हुआ? वो आधे घंटे तक घोड़े को ढूंढते हैं फिर, क्योंकि अब दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? घोड़ा लेके आया, चोरी का लेके आया, उसे पता चल गया अरम को, बाद में घोड़सवारी करने की
कोशिश करी, खेलने की कोशिश करी, और फिर ये कहाँ चले गए, घोड़ा भाग गया आधे घंटे बाद, आफ्टर 30 मिनट्स उसने क्या करा, इन दोनों बच्चों ने पकड़ा उसको घोड़े को, और एक जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे वहां पे विनियर्ड में जाके उसको बांध दिया। चलो जी, इतनी कहानी समझ में, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कोई भी डाउट आ रहा है, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। हमारी टीम आपके कमेंट्स पढ़ती रहती है, मैं भी बीच बीच में कमेंट्स देखता रहता हूँ, तो आप अपने कमेंट्स में अपने डाउट्स अभी क्लियर करके चल सकते हो। ठीक है, मोटी मोटी कहानी समझ में आ रही है? हाँ, आ जाओ। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि चलो, हाँ जी, दिखाई तो दे रहा है ना मेरे बच्चों, सबको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। चलो जी, फिर क्या होता है, दे डिड हॉर्स राइडिंग फॉर 2 वीक्स। अब क्या हुआ, इन लोगों ने ना 2 हफ्ते तक अपना घुड़सवारी वहां की, चोरी के घोड़े से, वो जो व्हाइट हॉर्स था ना उसके साथ घुड़सवारी करी, हॉर्स राइडिंग सीखी, कोशिश की और घूमते रहे। अब क्या होता है, जॉन बायरो, ये कौन है, ये एक नया कैरेक्टर है। अभी हमने 2 कैरेक्टर पढ़े इस चैप्टर के अंदर, एक का नाम अरम है, दूसरा मुराद है, दोनों कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं। अब तीसरा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, वो कौन है, जॉन बायरो। कौन है ये, अंकल्स फ्रेंड, जो इनका अंकल होता है ना उनका ये कौन है, दोस्त है, जॉन बायरो। अरम्स हाउस टू टॉक अंकल, खुसरो, अरम के जो चाचा थे, अंकल थे, उनका एक दोस्त, अरम के चाचा का नाम क्या है, खुसरो। एक और हमें एक कैरेक्टर पता चला, खुसरो कौन है, अरम के अंकल है, चाचा है, उनका दोस्त कौन है, जॉन बायरो। वो कहाँ आता है, वो विजिट करता है किसके घर पे, अरम के घर पे, उसके चाचा से मिलने, बात करने, टू टॉक अंकल खुसरो। और जॉन बायरो पता है किस तरह का इंसान है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, लाउड मैन, जो एंग्री होते हैं ना एकदम से, मूड ख़राब ही रहता है जिनका, वो इस तरह का कैरेक्टर है, कौन, जॉन बायरो, जिसका घोड़ा चुराया था। आ जाते हैं, अरम टोल्ड मुराद अबाउट जॉन बायरो एंड सजेस्टेड टू रिटर्न हॉर्स आफ्टर लर्निंग राइडिंग। अब अरम क्या कहता है, अरम कहता है, यार तुझे पता है वो जो तू घोड़ा चुरा के लाया था ना भाई, वो घोड़ा ना मेरे चाचा के दोस्त का है, मेरे चचा के दोस्त का घोड़ा लिया है भाई, तू किसी और का लिया था, उनका क्यों लिया, अगर उन्हें पता चलेगा बहुत जूते पड़ेंगे यार। अब इस बात को जब वो जाके मुराद को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे चाचा का है, और उससे कहता है कि भाई एक काम करते हैं, हम ना हॉर्स राइडिंग सीखने के बाद ना इसको हम ना दे देंगे, वापस दे देंगे, उसको मशवरा देता, सजेस्ट करता है, आगे बढ़ जाए। आ जाओ, मुराद अपोज्ड, मुराद क्या करता है, अपोज करता है इस चीज़ का, नहीं नहीं छोड़ना, एंड सेड दे आर नॉट थीव्स एंड विल रिटर्न हॉर्स आफ्टर 6 मंथ। वो कहता है, तुझे क्या लगता है कोई चोर है क्या, भाई चोर नहीं है, हम दे देंगे तुम्हारा, दे देंगे उसका घोड़ा दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, अब 6 महीने थोड़ा हम सीख लें, थोड़ा घुड़सवारी कर लें, फिर दे देंगे, क्या दिक्कत हो गई। वो ऐसे कह के उस बात का अपोज करता है, अरम के सजेशन का, आगे बढ़ जाए। वन डे एट द हिडन स्पॉट दे मेट बायरो, ही एग्जामिन्ड हॉर्स एंड थॉट इट वॉज अ ट्विन हॉर्स। लेकिन बकरी की अम्मा ने कब तक खैर मनाई, एक दिन ये लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, जॉन बायरो वो जो अंकल का दोस्त है, उसका जो चोरी किया हुआ घोड़ा होता है, उसके साथ हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ वो मिल जाता है ना जॉन बायरो, लेकिन उसको ना अंदाजा ही नहीं हो पाता कि ये जो घोड़ा है वो उसी का है, उसे लगता है ये उससे ही मिलता जुलता कोई घोड़ा है, यानी उसी का कोई जुड़वा भाई है। आगे बढ़ जाते, फिर क्या होता है, उसके बाद सेम आफ्टरनून दे रिटर्न द हॉर्स quietly to Byro's vineyard, John Byro got happy. अब इतना डरने के बाद के भाई अब तो पकड़े ही जाएंगे, अब वो मिल भी गया था बिल्कुल, बस अब जिसे कहते ना बाल बाल हलक में आ गई थी, भाई बिल्कुल हलक में आ गई थी ना इनको, अगर वो पहचान लेता तो वो तो कहता तुम तो चोर हो, और कितना बुरा लगता है एक ऐसी फैमिली जो कि अपनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी के लिए मशहूर है, पॉपुलर है, जाने जाते हैं अपनी लॉयल्टी के लिए, उनकी फैमिली के बच्चों ने घोड़ा चुराया था, तो अब इन्हें लगता था कि भाई एक होता है ना मौत का जब सामना हो जाता है तो ज़िंदगी जीने का भी फिर मज़ा अलग होता है, वो वाली चीज़ है, तो अपना फिर लाइफ की कीमत पता चल जाती है, ऐसे इनको कीमत उस दिन वैल्यू पता चली कि हम अगर पकड़े जाते तो क्या होता हमारा, और फाइनली क्या करते हैं वो जो उसका घोड़ा होता है, उसका हॉर्स होता है, उसको क्वाइटली रिटर्न करके आ जाते हैं बायरो के ही विनियर्ड में, वहीं जो उसका बगीचा समझ लो, वहां पे आके खड़ा करके चले जाते हैं। जॉन बायरो जैसे अपने घोड़े को देखता है, ओह माय गॉड ये कहां से आ गया, ओह माय गॉड, उन्हें लगता है कि अपने आप ही आ गया। तो ये पूरी टोटल कहानी है द समर ऑफ व्हाइट ब्यूटिफुल हॉर्स की, जिसमें थीम किस पे बेस्ड है, मैंने आपको पहले बताया थीम क्या है इसकी, लॉयल्टी और ऑनेस्टी। अब क्वेश्चन अगर आ जाता है, चाहे लॉन्ग आंसर के तौर पे आ जाए या शॉर्ट आंसर में आ जाए, जिसमें बात की जाएगी लॉयल्टी ऑनेस्टी की, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अरम एंड मुराद आने चाहिए, और वहाँ का आपको पूरी कहानी, जो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, ये जो मैंने आंसर लिखवाया है ना, ये जो मैंने आपको ये आंसर लिखवा रखा है, ये वाला,
ये पूरा ऐसे एक्सप्रेस करके आ जाना, बहुत आसान, इससे आसान लैंग्वेज कुछ नहीं हो सकती। इसमें बस मैंने इतना कर रखा है कि बहुत ज़्यादा इज़ेमार का यूज़ नहीं किया, सब्जेक्ट बार बार नहीं लगाए, वो आप थोड़ा सा देख लेना, वरना ये पूरी चैप्टर की कहानी इसमें समा दी गई है। आओ क्या आप इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें? नहीं।